हो चाहे शहर में डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो ये मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा नहीं, अब देखो हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है, बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना, हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूंगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है, किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम कर लिए, उसे मजबूती दीजिए, आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। धन्यवाद।